गाइस, सो काना की तरफ से देखिए गुड मॉर्निंग। देखिए कितना प्यारा बच्चा लग रहा है हमारा, फुतरा सा, मोटू सा, ये नानी ने अभी टोपी तैयार किया है इसका, खाली ये बना हुआ था वो मोजा। देख रहे हो आप इसको, गुन्नी को? हाँ मोटू, चलो मिलते हैं भी आपसे थोड़ी देर के बाद। नानी भी हो रही है, मैं तो नहा धो के रेडी, पूजा कर लिया मैंने। नानी भी सुबह 7 बजे का नहा करके बैठी हुई है, सोच रही है कब उठेंगे, सब कब उठेंगे। आजा कर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मेरी आपसे मुलाकात हुई नहीं थी, थोड़ी सी ना। सो आज का दिन क्या है? आज का दिन है बुधवार। बुधवार होता है गणपति भगवान का दिन, तो सब प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहे हैं ये मूली के परांठे, चाय, ये देखिए लगी है रजनी आंटी और शक्ता भी यहाँ पे। और यहाँ कमरे में क्या हो रहा है, कमरे में खाया जा रहा है यहाँ पे लंच, सॉरी ब्रेकफास्ट है ना। यहाँ पे मूली के पराठे खाए जा रहे हैं, चाय पी जा रही है, कैरब अपना सो रहा है अभी, है ना। तो मैं भी अब खाने जा रहा हूँ। पीछे चल रही है न्यूज ऑलरेडी, पूरे न्यूज चैनल पे एक चीज चल रही है, दिल्ली हिंसा का खतरनाक खेल हर जगह यही चल रहा है। वो किसान आंदोलन जो हुआ था, हर जगह यही चल रहा है आजकल, है ना। तो मैं अब जा रहा हूँ खाने, आप लोग भी अपना अच्छे से खाना एंजॉय कीजिए, ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ उसके बाद, ओके, खाना ब्रेकफास्ट करने के बाद में। जैसा कि आप देख रहे हैं फल टाइम चल रहा, फल खाए जा रहे हैं, चल रहा है। ये देखिए हमारा काना सो रहा है, बसंत पंचमी आज ही मना रहा है। आज लंच में बन रहा है सांभर एंड चावल, तो अभी हम आपको सांभर की रेसिपी दिखाते हैं, ठीक है। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ सांभर। तो सांभर के लिए मैंने, ये देखिए तेल है, दिखे आप, ये तेल है, इसमें मैंने डाला है राई एंड मिर्ची और प्याज। थोड़ा मैंने लेट स्टार्ट किया ना, इस तरह से मैं इतना अच्छी दाल चुकी थी, मैं कह रही ब्रॉक्स में बनाएंगे। और मैंने यहाँ पे ये दाल भी धो के रख दिए हैं, और ये मैंने सब्जी में काटा है लौकी, गाजर और ये टमाटर, ठीक है। अब मैं इसे मिलाने जा रही हूँ, प्याज थोड़ा भून जाए, मैं मिलाती हूँ ये सब सारी सब्जियाँ। प्याज हमारे भून गए हैं, अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ ये लौकी और गाजर। मैं टमाटर भी मिला ले रही हूँ, पानी भी निकाल लिया, इमली का पानी इतना मैं नहीं डालूंगी, इसका आधा डालूंगी, ज्यादा खट्टा नहीं डालूंगी, ठीक है। ये है हमारा सांभर मसाला, इसको थोड़े से इसमें सांभर मसाला में ऐड कर दूंगी। डाल दिया मैंने सांभर मसाला, इसका काम हो गया, इसको मैं रखती हूँ। ये दाल को धो ली, इसमें मैं ये मिला रही हूँ नमक, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च एंड हल्की सी हल्दी, ठीक है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। हमारा ये धनिया पाउडर में इसमें मसाले वाले डिब्बे में भर के खत्म होते हैं। अब हम इसको चला लेंगे। वाव, अच्छी स्मेल आ रही है इसकी,
सांभर मसाले की जो खुशबू होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। दो प्लेट खाली हो गया, तेल का काम खत्म। मसाले को मुझे डाल दें तो मेरे मसाले का काम खत्म है ना। मैंने तेल के साथ राई डाला था, मिर्ची डाली थी और प्याज डाला था स्टार्टिंग में, उस टाइम मैं दिखा नहीं पाई थी, मैं आपको बता दूँ। और मैंने सूट कौन सा पहना है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये सूट पहना हुआ है, बटन में आपको नहीं दिख पा रहा होगा, मैं उसे आपको दिखा दूँ। ठीक है, मैं मसाले भून गए, उसमें मैं ये मिलाने जा रही हूँ। ये दो तरह से बनता है एक्चुअली सांभर। एक कैसे बनता है, एक आप ना दाल बना लो, दाल बनाने के बाद हमको जो जो सब्जियां बनाते हैं उसका हम अलग तड़का बनाते हैं, फिर उसको उसमें ऐड करके भी बना लेते हैं अलग से, ऊपर से छौंक लगाते हैं। मैं ऐसे ही बना रही हूँ, मैं एक साथ बना रही हूँ। आप किसी भी तरीके से आप करी पत्ता डाल सकते हैं इसमें, अभी करी पत्ता हमें मिल नहीं रहा था यहाँ पे तो इस वजह से मैंने करी पत्ता नहीं डाला। तो आप किसी भी तरीके, दो तरीका है इसका, या तो आप दाल बना के सब्जी अलग से बना के इसको फ्राई करके दाल में मिला दो, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हो, टाइम कम लगता है। ये आ गए मेरे माता जी, इसको पानी डालेंगे, हाँ इसको धो लेंगे ना, ये इतना सोने डालेंगे, ऐसा आधा डालेंगे। गैस मैं भूल गई आपको बताना, मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया था, मसाला तक तो आपको दिखा दिया था, सब सारी सब्जियां डाल दी थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है और इमली का पानी ऐड किया है, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। अब हम इसको बनने के बाद आपको दिखा देंगे, मैं भूल गई थी। बाकी मैंने यहाँ पे ये चावल भी रोके रख दिया है क्योंकि हम सांभर सांभर और चावल खाएंगे, और मैं पापड़ का देखती हूँ कौन सा पापड़ हम बनाते हैं क्योंकि पूरा मेन्यू होना चाहिए ना। अब सलाद का भी मैं एक बार पूछ लेती हूँ कि सलाद इसके साथ पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरा पापड़ नहीं दिखता था, अब जाने का पापड़ मैंने कहाँ रख दिया, देखते हैं हम, क्योंकि बोल रहे लिज्जत वाले पापड़ ना ख़त्म हो गए। चलो कौन सा पापड़, पापड़ घूमती हूँ देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, मिल जाए तो छान लूँगी, नहीं मिला तो फिर सांभर चावल, बाकी दही इसके साथ क्या लेंगे, खुद ही ऑलरेडी खट्टा होता है, फिर मैं पूछ लेती हूँ अगर दही कोई ले तो। आपको मैं खसीदे खाने की प्लेटिंग दिखाऊंगी, बाकी इसमें सीटी सीटी लग रहा है तो ये जब बन जाएगा उसके बाद। ओके तो हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस ये देखिए मेरा खाना आ गया है, सांभर है ये रहा और ये रहा क्या चावल, ठीक है मैं मैंने मिला दिया था, तो प्लेटिंग आपको थोड़ी सी ऐसे दिख रही होगी बट ऐसा लुक आएगा। और साथ में भी श्वेता लेके आ रही है साबुदाने के पापड़ मेरे लिए, और शाम को बनाएंगे इडली भी। तो पूरे दिन आपको हमारे ब्लॉग में क्या सिर्फ साउथ इंडियन खाना देखने को मिलेगा है। तो आज हम साउथ नॉर्थ की जगह हम साउथ के बन गए हैं, साउथ 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 के, वाओ अच्छा लगता है। अभी पापड़ छान रही है वो तो जब आएगा, और ये सांभर और ले आए मैंने, गरम गरम सांभर सर्दियों में पियो मजेदार होता है ना। तो बस यही सब चल रहा है, और यहाँ पे मेरा चल रहा है ऑफिस का काम भी, देख रहे हो आप है ना। अभी जस्ट ब्रेक लिया, मैं कर रहा हूँ अपने ऑफिस का लंच, मतलब लंच लंच। देखिए ये क्या कर रहा है, खेल रहा है, हंसाने की कोशिश की जा रही है। काना ने अपनी टोपी उतार दी, देख रहे हैं आप, इतना छोटा सा बच्चा और अभी से फैशन टोपी नहीं पहनेगा। देख रहे
हंस तो रहा है, कैप्चर हो गया। ऑल्सो अभी मैं क्या बनाने जा रही हूँ, हमारा सांभर सुबह वाला बच गया था तो अब मैं बनाने जा रही हूँ इडली, सादी इडली और आलू वाली इडली दोनों बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने चटनी पीसने के लिए मैंने ये मूंगफली को भून लिया है एंड इसमें है करी पत्ता और थोड़ा सा धनिया मिर्चा और अदरक, ये चटनी का सामान। और जब पीस लेंगे तो उसमें हम ऊपर से डालेंगे नींबू। तो अब मैं चटनी पीसने के लिए तैयार करें, इस मूंगफली का जो है ना उसका हम छिलका निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे करके छिलका निकाल लेते हैं। तो छिलका निकालने के बाद हम इसको पीसते हैं और उसके बाद जब हम चटनी बन जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसकी चटनी का लुक कैसा आता है। ठीक है, अभी हम इसको छिलके को निकाल लें और उसके साथ हमारा ये सांभर है जो मैंने बताया था, ये सांभर है चटनी में बनाए जा रही हूँ। उसके बाद मैंने उसके लिए सामान लिया है सूजी, अगर इतना सूजी नहीं होगा तो एक पैकेट और लाएंगे सूजी, उसमें सूजी डालूंगी और मैं डालूंगी इनो, ये है इनो, ये है इनो, इसे मैं इनो डालूंगी और फिर उसके बाद नमक और पानी। अब मैं आलू भी उबाल ली हूँ क्योंकि आलू वाली इडली बनाऊंगी। आई थिंक मैंने ये रेसिपी पहले भी दिखाई है तो फिर से अगेन मैं दिखा रही हूँ आपको जिन्होंने नहीं देखा होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, चटनी बन गई थी, ये है चटनी, देख सकते हैं आप मूंगफली की चटनी। इसका कलर थोड़ा सा इसलिए डार्क आया क्योंकि जो मूंगफली है ना वो ज़्यादा भून गई थी। और ये हम यहाँ बना रहे हैं आलू के, आलू भुजा मैंने उसमें डालने के लिए, इडली में भरने के लिए आलू, इसको ये हम भी पिट्ठी बनाएंगे छोटी छोटी, फिर हम इसको इडली के बीच में भरेंगे, फिर इसके ऊपर बैटर डालेंगे। तो अब मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अभी हमारी थोड़े से आलू जो है वो भून जाए, ठीक है, हमारे आलू भुज गए हैं। अब हम इसके इतनी छोटी छोटी, मैं दिखाती हूँ कितनी छोटी पिट्ठी बनानी है, इतनी छोटी सी पिट्ठी बनानी है क्योंकि हमारा जो साँचा है ना इडली का वो छोटा छोटा है। दिखाती हूँ मैं आपको अपने साँचे, ये जो साँचा है ना बहुत छोटा है तो इस वजह से इसकी जो पिट्ठी बनेगी इसी के अकॉर्डिंग छोटी छोटी बनेगी। तो मैं अभी इसकी पिट्ठी बना रही हूँ। फिर मैंने ये देखिए सूजी निकाल लिया है, इसमें नमक पानी और लास्ट में इनो डालूँगी। और ये मैंने पानी रख दिया है, फिर मैं इडली का साँचा रखूँगी ढक करके। तो बस सारी तैयारी डन है, बस इडली बननी बाकी है। दिखाती हूँ अब ये मेरी पिट्ठी मैंने एक बार की बना के रख ली है, ये मैंने सूजी लिया है, अब हम इसमें मिला रहे हैं पानी। हम इसका घोल बना रहे हैं, इसमें हम मिला लेंगे थोड़ा सा नमक। इसको हम अच्छे से चला लेंगे, फिर लास्ट में जब इसमें हम साँचे में घी डालेंगे तो उससे 10 सेकंड पहले हम इसमें नींबू मिलाएंगे, अरे सॉरी इनो मिलाएंगे, पहले इसको अच्छे से चला लेंगे।
कि हमने बैटर को अच्छे से घोल लिया है। अब इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ इनो, क्योंकि अब मैं इडली बनाने ही जा रही हूँ, तो मैं इसमें मिला दी इनो। अभी एक इनो डाल रही हूँ, जैसे जैसे हम और इसमें बनाएंगे वैसे वैसे हम इसमें इनो मिलाते जाएंगे। अभी मैं एक पूरा इनो डाल रही हूँ। डालने के बाद ये कैसा लगता है मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए घोल कुछ और अच्छा सा हो जाता है। इसको हम और अच्छे से फेंट लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, अब हम इडली का जो सांचा है इसमें हम हल्का सा तेल ऐसे लगा लेंगे, ऐसे 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 हम तेल लगा लेंगे। और इसमें हम कैसे भरते हैं दिखा रही हूँ मैं। अब पहले हल्की सी ये डालेंगे, हल्का सा थोड़ा सा तीनों में डाली हमने। अब इसके ऊपर जो मैंने ये पिट्ठी बनाई है इसको ऐसे रख देंगे। अब इसके ऊपर हम और डाल देंगे घोल, देख रहे हो ऐसे भरना है हमको। आप जो पिट्ठी में है उसमें मटर भी डाल सकते हो और प्याज सब डाल सकते हो, मैं सिर्फ आलू की पिट्ठी बनाई है। तो आप जो आलू की पिट्ठी भी बनाओगे ना उसमें आप कई सब्जियां ऐड कर सकते हो। देखिए आप आ गए ना शेप। अब ऐसे मैं सारी में भरूंगी, फिर मैं आपको रख के दिखाती हूँ। आप देखिए पानी रख दिया मैंने गर्म होने के लिए, अब मैं दिखाती हूँ आपको उसमें डालने के बाद। देखिए अब जो है ये इसमें मैंने भर दी, जिसको मैं रख दिया क्या कर रही हूँ इसको मैंने रख दिया। अभी धीरे धीरे आज में अपनी बनती रहेगी आपसे। अब मैं आपको बनने के बाद दिखाऊंगी डायरेक्ट, ठीक है, विद प्लेटिंग। मैं अभी इसको फ्राई भी करूंगी, ठीक है, तब मैं दिखाऊंगी। तो गाइस ये लड़की बना लेती है खाना पर प्लेटिंग हमेशा से खाना भूल जाती है, तो मैं कोई फिर जिम्मा लेना होता है प्लेटिंग का। आप ये लोग देख लीजिए इसकी प्लेटिंग, यहाँ पे ये खा रही है मम्मा खाना, कैरव के साथ बातें कर रही है, खाना खा रही है ना, है ना। एड्डी देखिए छोटी प्यारी प्यारी है मेरे जैसी, है ना। राइस से फ्राई हुई है मेरी मम्मी, खा लिया मैंने, पेट भर गया सबका बहुत ज्यादा। बढ़िया। कैरब क्या कर रहा है? कैरब पॉटी करता है, अच्छा सही है। कैरब टोपा उतारने में लगा रहता है, पर किसी टोपा निकल जाए बस, है ना कैरब? हाँ गंदा बच्चा, उतर गया कैरब का टोपा। तो चलिए मैं करने जा रहा हूँ डिनर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मम्मी खा रही है काजू की बर्फी, क्योंकि मेरे को खाने के बाद मीठा जरूर चाहिए होता है, इट इज मैंडेटरी फॉर मी। और यहाँ पे बैठी मम्मा, तो यहाँ ये धीरे धीरे खा रही है। तू खाती धीरे धीरे? वो खाती मैं, अच्छा अच्छा, मैं तो बहुत जल्दी खाती हूँ। ये बहुत जल्दी खाती है, इसको ट्रेन पकड़नी, इसको ट्रेन पकड़नी होती है, इसलिए जल्दी जल्दी खाती है। मैं शुरू से आ रहा था ना, सबसे पहले घर में खाना हम ही खाते हैं, निकल जाते थे मुँह में डालते, चावल दाल खाना रहता तो बस निपट गया। तो गाइस इसके साथ आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने घर में आप खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए। लव यू, मिस यू, बाय बाय कर दो, देखो नानी को देख, बाय 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 बाय।